बीआरडी हरियाणा की तरफ से मैं विष्णु शर्मा और आज फंक्शन जो संदीप सिंह बाजाओं के हैं और जो कि तीन साल पूरे हो चुके हैं जो कि सही घटना देते हैं जो कि इंजीनियर जो भी हैं और आज बड़ा मंत्री तो उनकी उनकी कामना है उनका अनावरण किया जा रहा है और यहाँ पर ग्रामवासी और जो उनकी यूनिट है उनके सदस्य यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो मैं कहना चाहूँगा एक बार भाई बहन को एक बार आए मैं आई बी ए का सदस्य हूँ, शिक्षा जगत से रिटायर्ड हूँ, स्टेट बैंक सेवा देश को एकता और सुरक्षा दो शब्द ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब हम जब हमारे एकता नहीं थी तो उसका परिणाम हमने भुगता, हजारों साल तक हम गुलाम रहे, रियासतों में देश बटा हुआ था, और सुरक्षा जो वार्षिक में हमारी कमी रही उसको आज तक हम नहीं भूले। तो आज धन्यवाद इन वीरों को, धन्यवाद सरकार को, धन्यवाद रक्षा मंत्रालय को कि आज हम इतने सबल होकर के खड़े हैं कि दुनिया का कोई देश हमारी तरफ हाथ उठा के नहीं। सुरजवान जी, लगातार आज का जो युवा है अपने पथ से भटकता जा रहा है और लगातार अपराधों की तरफ बढ़ता जा रहा है और जो जनहित के कार्य हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसको शिक्षक की दृष्टि से देख करके आपको बताऊंगा। हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ और जापान जो 45 में नष्ट हो गया था हमारे साथ ही वो भी उभर के ऊपर आया। जो शिक्षा का ढांचा था वो वहाँ इस प्रकार की शिक्षा थी कि आज पूरा जो है ना वो देश के प्रति नैतिक मूल्यों को पहचान पाया और वो देश आज जो है ना हर क्षेत्र में मजबूत खड़ा। हम शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना वो गलती कर गए, अंग्रेजों की प्रणाली को ही लगातार रखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हम अपनी शिक्षा के ढांचे को इस प्रकार से सुधारें कि हमारे जवानों के अंदर इतना मॉरल करेक्टर ऊँचा हो वो देश के किसी भी क्षेत्र में जाएं तो हमारा नाम रोशन करें। ये शिक्षा की कमी अब सुधार में चल रही है और आने वाले 5-7-10 सालों में हमें तो उसके परिणाम दिखाई दे। ठीक, देखिए उसके पीछे हमारे सोर्सेज जो है ना वो सीमित होते हैं, प्रकृति जो है ना उसने जो हमें दिया है, चाहे वो पर्वत है, सागर है, पौधे हैं, खनिज हैं किसी प्रकार से, लेकिन हमारी जनसंख्या जो है ना वो इतनी तीव्र गति से आगे चली गई कि वो हर क्षेत्र में जो है ना वो कमी पड़ती चली गई। अब रोजगार की कमी आते ही उससे फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसके बाद शिक्षा का मैं पहले कह चुका हूँ कि वह मॉरल करेक्टर पनप नहीं पाया, इरिटेट हो जाते हैं और उसके जल्दी में जो है ना वो ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे मनोज कुमार आप संदीप कुमार के बारे में संदीप एक फोन आ रखा था देश की रक्षा करते हुए जिसने 16 मई 19 को अपने साथ थी उसको पूरा गांव पूरा देश नमन करता है। गांव में बहुत ही अच्छी तरह जो हमारे साथ मिलकर कर रहने वाला नौजवान बच्चों को यही संदेश संयम से अपने देश के प्रति सद्भावना से संदीप मलिक की तरह भाई दुश्मन से लोहा लेते हुए अपने जान की परवाह न करें, अपने देश की रक्षा करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गांव के युवा भर्ती में शामिल हों ताकि देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद।
जमा है शांति के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। आप देख सकते हो ये जो हमारे पंडित कुमार जी मलिक है उनके सामने प्रतिमा लगी है और कुछ देर में हमारे यहाँ पे जो बलराज कुंड जो यहाँ के विधायक हैं इसका अनावरण करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे यज्ञवन हो रहा है। बलराज कुंडू की गली आज आप पर कागज में देखा कुछ काम पर अपराध किस्मत की आपसे मिलने की ग्रहण बड़ी खुशी हुई आपसे मिल क्या क्या कैसे कार्यक्रम है बताओ अमर भाई संदीप प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर यहाँ पधारे भाई संदीप उसके साथी पूरी टीम और हरियाणा एड सर्विस एसोसिएशन के सभी